आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूरे देश के मंदिरों में आज देवी मां की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। राजधानी भोपाल के काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और लगभग कोरोना काल जिस तरह से हमने देखा मंदिरों में भीड़ की काफ़ी कमी रही, लेकिन आज जिस तरह से सब कुछ खुल चुका है, पूरी पाबंदियां हट चुकी हैं, तो उसके बाद लगातार जो है भक्तों का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आना शुरू हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो कहीं ना कहीं आज भक्तिभाव से पूरे जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। सुख समृद्धि की प्रार्थना उनके द्वारा की जा रही है। और किस तरह का आज का दिन जो है रहने वाला है, हम पंडित जी से बात करेंगे कि आज क्या क्या खास जिस तरह से जो है नवरात्र में रहेगा, किस तरह से जो है मंदिर में। पंडित जी, आज पहला दिन है तो आज किस तरह की पूजा होती है और किस तरह का आज का दिन रहेगा? सभी देशवासियों को नव संवत्सर की मंगल हो। आज माँ भगवती का प्रथम दिवस है। नवरात्रि में, नवमी के नवरात्रि में प्रथम दिवस माँ के शैलपुत्री की पूजन होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री का नाम ही शैलपुत्री है। भगवान शिव की ही शक्ति का नाम एक शैलपुत्री है। आज उसी शैलपुत्री के रूप में हम भक्त लोग उसकी पूजन करते हैं। और माँ भगवती का स्वरूप श्वेत वर्ण वाला, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है और ब्रश खड़ा हुआ, और माँ भगवती का शैलपुत्री का रूप है आज के दिन, और शैलपुत्री की पूजन प्रथम दिवस की जाती है आज के दिन। जैसे पिछले साल हमने देखा मंदिरों में भीड़ नहीं रही, इस बार कितना उत्साह लोगों में? सब व्यक्तों में उत्साह है देखने को मिल रहा है। और पिछले नवरात्रि हमारी दो जो कोरोना काल में गई हुई है, उस नवरात्रि पे एक नवरात्रि ज़्यादा भारी है और सभी भक्त लोग अपने सपरिवार मंदिर आ रहे हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं और सभी भक्त लोग रोग मुक्त रहें, कष्ट मुक्त रहें, ऐसी हम लोग भी प्रार्थना करते हैं माँ से। और देवी जी के यहाँ पूजन पाठ चल रहा है और सभी भक्तों के कष्टों का हरण करें माँ, ऐसी माँ से प्रार्थना है। सभी भक्त मंदिर में आएँ, कोई अब रोग दोग कुछ नहीं है माता जी। अखंड ज्योति दिख रही है आपके हाथ में, तो अखंड ज्योति कितने दिन चलेगी, क्या उसका वो रहता है? नहीं, यहाँ माता जी के भवन में बहुत पहले से ज्योत अखंड माँ जल रही है प्रांगण में, ये तो तैयारी है। और अखंड ज्योत और ज्वारे यहाँ पर अभी शाम को ज्वारे और घट स्थापित होगा माता जी का, तो ज्वारे विसर्जन बो जाएंगे माँ के द्वारा, भक्तों के द्वारा, और यहाँ पर कलश का स्थापन होगा, घट का स्थापन होगा। और अखंड ज्योत माँ के मंदिर में कई वर्षों से जल रही है अखंड। तो घट स्थापना की जाएगी, जो ज्वारे जो है वो बोए जाएंगे, तो लगातार आप देख सकते हैं जो भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। किस तरह से सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है भक्तों की। कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इतने लंबे समय बाद जो मंदिर खुले हैं तो उनको कैसा लग रहा है। यहाँ पर कुछ भक्त बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, काफ़ी लंबा समय कोरोना का देखा, उस समय मंदिरों में आना कहीं ना कहीं प्रतिबंधित था, अब आज की जो नवरात्रि है कितना अंतर आपको लगा? पहले से ज़्यादा काफ़ी अंतर है, क्योंकि अभी सोशल गैदरिंग होने लगी है और इन्फेक्शन भी कम है तो लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आज पहला दिन है तो आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पहला दिन किस तरह से मनाने वाले हैं आप, माता की किस तरह से भक्ति करने वाले हैं? जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो सिंपल सी बात, मैं पढ़ाई करके ही अपना दिन व्यतीत करूँगी। तो पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट भी सुबह से यहाँ आ रहे हैं, और भी कुछ लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं। बेटा, आज पहला दिन है नवरात्रि का, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह? अच्छा लग रहा है, मैं तो वैसे ही उनकी भक्त। क्या करती हो, पढ़ाई करती हो? हाँ। तो क्या मांगने आए हो आज माता से? कुछ अच्छे नंबर। हाँ, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा हो। तो नवरात्रि का दिन छोटी छोटी कन्याएं जो है मंदिर में मौजूद है और जो है माता से कहीं ना कहीं इस बात की प्रार्थना कर रही हैं कि अच्छे नंबर उनको माता दे और अच्छे नंबरों से पास हो। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, नवरात्रि का पहला दिन है तो किस तरह से मैं ये सोच रहा हूँ साहब, कोरोना चला गया है और नवरात्रि का लोगों का शुभ काम जाए, बढ़िया पूजा पाठ करें,
वो बढ़िया अच्छे से रहे हैं। दो साल तो इसे अपन ने भुगतान करा हैं हैं, तो इसलिए बढ़िया हाथ जोड़ के सभी से कहते हैं कि बढ़िया दर्शन करें और बढ़िया माता जी की सेवा करें, यही अब तरह ठीक है। बढ़िया दर्शन करें, बढ़िया माता जी की सेवा करें। एक लेडीज़ भी हमारे साथ हैं, क्या नाम? रीना कुशवाहा। अच्छा रीना जी, ये बताइए आज इतने टाइम बाद मंदिर खुले हैं, आप एक महिला हैं, तो किस तरह से नवरात्रि को इंजॉय करें? बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि इतने टाइम बाद मंदिर, क्योंकि मैं इस वाली नवरात्रि में 3 साल बाद मंदिर आई हूँ। वैसे वो वाले में तो ठीक है, मैं सबसे यही वो करती हूँ कि कोविड से दूर रहें और सब लोग मास्क लगाएं। तो कोविड से दूर रहे, ये सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से कई लोग काफ़ी सालों बाद जो है लगभग 2 साल से मंदिर नहीं आए, लेकिन आज जो प्रतिबंध हटने के बाद मंदिर आना फिर से शुरू हो गया है। कैमरामैन गणेश के साथ नीरज श्रीवास्तव, अनादि टीवी भोपाल।